हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह। आज मैं आपको स्क्वॉश बॉल के बारे में बताऊंगा कि स्क्वॉश बॉल्स कितने टाइप्स की होती हैं। अभी कोविड-19 में हम सब अपने घरों पे हैं, तो मैं घर से ही आपको ये वीडियो बना करके आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। स्क्वॉश बॉल्स चार टाइप्स की होती हैं। वो चार टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ब्लू, रेड, वाइट एंड येलो, ये फोर टाइप्स की स्क्वॉश बॉल्स होती है, ठीक है। अब आपको ये कैसे पहचान में आएगा, देखिए आप कभी भी शॉप पे जाते हैं तो आप जब उनसे स्क्वॉश बॉल लेते हैं कि हमें स्क्वॉश बॉल दे दो, तो आपको चेक करना है कि उस बॉल के अंदर डॉट कौन सा है। डॉट मीन्स होता है बिंदु। जब भी हम सेंटेंस को ख़त्म करते हैं तो एक डॉट लगाते हैं, बिंदु, तो आपको वो डॉट चेक करना है। आपको डॉट से ही बॉल को पहचानना है। अब ये जो स्क्वॉश बॉल्स होती हैं, जो ब्लू डॉट होगा, जिस बॉल के ऊपर ब्लू डॉट होगा यहाँ पे, वो बॉल होगी एक्स्ट्रा फास्ट। उसके बाद जिस बॉल के ऊपर रेड डॉट होगा वो बॉल होती है फास्ट। जिस बॉल के ऊपर व्हाइट डॉट होगा, बिंदु होगा व्हाइट कलर का, वो बॉल होगी स्लो। जिस बॉल के ऊपर येलो कलर का डॉट होगा वो बॉल होगी एक्स्ट्रा स्लो। और जिस बॉल के ऊपर येलो डबल डॉट होगा, मींस दो बार येलो का डॉट होगा, जो अभी रिसेंटली में चल रही है, वो बॉल होगी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्लो। और अभी आज के दिन में आपको वही बॉल लेनी है जिस बॉल के ऊपर डबल येलो डॉट होगा। ओके, क्लियर। आप कभी भी प्रैक्टिस करें, जिनकी एज 8 साल से ऊपर होती है तो उनको वो बॉल खरीदनी है शॉप से जिस बॉल के ऊपर डबल डॉट होगा, येलो डबल डॉट होगा। शॉप पे जाके आप बॉल को खुद चेक करिए या उनको कहिए कि भाई हमें डबल येलो डॉट दीजिए जिस बॉल के ऊपर डबल येलो डॉट होगा। वही बॉल आपको लेनी है, वही अभी करंटली चल रही है, उसी से प्रैक्टिस करो और उसी बॉल को खरीदो। ओके, अब ये आता है कि बाकी की बॉल्स किस काम में आती हैं, वो किस चीज़ के लिए होती हैं। अब जो ब्लू और रेड डॉट की बॉल होती है, जिनका ब्लू और रेड डॉट होता है, वो वहाँ पे चलती है जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ठंडा होता, बर्फ होती है जहाँ पे, क्योंकि उनके अंदर बाउंस ज़्यादा होता है। ओके, और जो 8 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको जो बॉल यूज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेनिंग बॉल्स। जो ट्रेनिंग के लिए, उन बच्चों की जो ट्रेनिंग के लिए बॉल्स होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो बॉल्स आती हैं वो दो टाइप्स की आती हैं, एक ब्लैक होती है और एक ब्लू कलर की होती है। लेकिन उन बॉल्स के अंदर आपको ये डॉट नहीं मिलेगा। और उन बॉल का, जो बच्चों की बॉल्स का साइज होगा, जिन बच्चों की एज 7-8 साल से कम होती है, मैं तो चाहूँगा कि उन्हीं बॉल्स को उससे प्रैक्टिस कराएं, तो उन बॉल्स का साइज भी जो नॉर्मल बॉल होगी उससे 12% एक्स्ट्रा होता है, बड़ा होता है। और उन बॉल्स का जो टाइमिंग होता है हवा में रहने का, वो भी 40% एक्स्ट्रा होता है इस बॉल के मुकाबले। और एक छोटे बच्चों को तो मतलब मैं ये कहूँगा कि उस बॉल से भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं जो येलो कलर की आती है ना, स्माइली बॉल्स, जो स्माइल का लोगो होता है जिस बॉल के ऊपर, तो उससे भी हम छोटे बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बट आपको जो प्रैक्टिस करनी है, आपको जो बॉल चाहिए, वो बॉल हमेशा शॉप पे जाके बोलना कि येल्लो डबल डॉट बॉल दे दीजिए हमें, जिस बॉल के ऊपर येल्लो डबल डॉट होगा उसी बॉल से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो ये है बॉल के बारे में नॉलेज। और एक, इसका वेट कितना होना चाहिए। सो इसका वेट होता है, मतलब होना नहीं चाहिए, इसका वेट कितना होता है, सो इसका वेट होता है 24 ग्राम्स। उससे 1 ग्राम अप डाउन हो जाता है। इस बॉल का, स्क्वॉश बॉल का वेट होता है 24 ग्राम्स। उससे 1 प्लस कर लो या माइनस कर लो। सो ये तो चलो भाई एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाती है, बट आप प्रैक्टिस जब भी करें, शॉप पे जाके बॉल जब भी खरीदें, इसी बॉल के साथ प्रैक्टिस करिए जिसमें येल्लो डबल डॉट होता है। सो ओके फ्रेंड्स, होप सो कि आपको फायदा मिलेगा इससे बॉल्स के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।